ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजिशन वैक्टर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप वेयर ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर आर वैक्टर एंड एक्सेलेषन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजन सेकेंड ऑप्शन है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वैक्टर एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजन ऑप्शन नंबर फोर है वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर ऑप्शन नंबर डी है वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर ये क्वेश्चन पूछा गया नीट के एग्जाम में दो हजार सोलह में नाउ अगर इसको हम नोटिस करें ये क्लास में दिस इज देर कैन बी टू मैथड्स इसको सॉल्व करने के सो मैथड नंबर वन इज अगर हम इसको लिखें आर वैक्टर या आर कैप इज गिवन एज साइन ऑफ ओमेगा टी एक्स कैप प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी वाई कैप नहीं एक्चुअली उल्टा है ओके मी करेक्ट दिस सो दिस इज कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी नाउ, अगर इसकी हम इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री लिखें इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री होती है दिस नॉट बी से इन आर क्लासरूम, इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्रीज एक्स और वाई के बीच रिलेशन टी की सुपारी देखें सो वी कैन से एक्स कैप जो आएगा एक्स वेक्टर एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी And y can be sin of omega t. So equation number one वन है equation number क्वेश्चन नंबर है हमें अब relation निकालना है x और y में और t को हमें uh, we want to get rid of हमें t को uh, उड़ाना है यहाँ से Now इसके multiple तरीके होते हैं situation के basis पे जैसे हमें cos और साइन दिख जाए तो हमें पता है एक बहुत ही important relation होता है साइन square theta plus cos square theta की value वन आती है अगर हम इसमें equation number वन का square और टू का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा कॉस्क्वायर थीटा या ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर टी जिसकी वैल्यू होगी वन सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन नाउ एज वी नो ये इक्वेशन है सर्कल की सो so, अपना पार्टिकल इस केस में जो अपना पोजिशन वैक्टर है अपना पार्टिकल करा है सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस वन है इस केस में वी कैन डेफिनेटली से नाउ लुकिंग एट द ऑप्शन हम इसमें कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए विच सेज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजन ये ऑप्शन सही होएगा बिकॉज सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा ये आपका आर वेक्टर है और वेलोसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होएगी और एक्सलेशन की हमेशा डायरेक्शन जो होगी वो आर कैफ़ की तरफ होएगी एट द सेम टाइम हमेशा वो सेंटर की तरफ या ओरिजन की तरफ पॉइंट करेगा सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट नाउ हाँ इसका इसी को करने का एक और तरीका आई कॉल इट मैथड नंबर टू अगर आपको एग्जाम में इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री समझ में आ गई आपने कर दिया बहुत बढ़िया फटाफट आंसर आ जाएगा जस्ट इन केस लेट्स से ये आपने को समझ नहीं आया इन दैट केस हम कर सकते हैं कि हमने आर वैक्टर को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट करके अपने को मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर वो होगा इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें सो इट विल बी माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी वाई कैप बिकॉज हमें पता है कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस साइन आएगा और साइन का कॉस आएगा और ये ओमेगा जो अंदर है बाहर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार ठीक है सो ये अपनी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई नाउ अगर इसको और इसको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं अगर हम करें वी डॉट आर कैप सो so उसकी वैल्यू जीरो आएगी बिकॉज ये पहली टर्म साइन कॉस्ट बन जाएगी दूसरे वाली साइन कॉस्ट बन जाएगी ओमेगा आएगा एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है इससे अपने को ये पता चलता है कि वी और आर के बीच में एंगल होएगा 90 डिग्री ना इसी को पकड़ के अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें डिफ्रेंशिएट uh, करके अपना एक्सलेशन वैक्टर आएगा सो so इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस बन जाएगा सो इट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी एक्स कैप प्लस एक बार फिर यह माइनस हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप इसमें से अगर हम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें सो इट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी वाइक है इसको नोटिस करेंगे तो फिर आर वैक्टर है विच टेल्स के ए वैक्टर जो है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर वैक्टर इसका मतलब ये है कि ए और आर के बीच में दे आर इन द सेम दे आर अलॉन्ग द सेम वैक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया अपना आई होप दिस हैज मेड थिंग्स क्लियर फॉर यू मुझे उम्मीद है इससे चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी क्लियर हुई हैं